छत्तीसगढ़ के इस चुनावी साल में बीजेपी की ओर से चुनावी शंखनाद किया जा रहा है। 22 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दुर्ग में करीब 4 घंटे तक सभा आयोजित होगी। 22 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दुर्ग जिले का दौरा प्रस्तावित है, जहां संभाग स्तर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करेंगे, तो वहीं स्थानीय बड़े नेताओं से वन बाय वन चर्चा भी करेंगे। आपको बता दें कि शाह की सभा रविशंकर स्टेडियम में होगी, जहां 7 जिलों सहित पूरे प्रदेश से लगभग 1 लाख की भीड़ आने की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर दुर्ग जिला पुलिस प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। 3-लेयर प्रोटेक्शन सिक्योरिटी लगाई गई है, जिसमें 500 से ज्यादा पुलिस के जवान अमित शाह की सभा में तैनात रहेंगे। तो वहीं जिला पुलिस बल के अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय की सुरक्षा कवच के अलावा विशेष सुरक्षा घेरा भी अमित शाह की सभा को रक्षा सुरक्षा प्रदान करेगा। दुर्ग जिले के अंदर प्रवेश करने वाले सभी दोपहिया चारपहिया वाहनों की चेकिंग की जा रही है, जिसके अंतर्गत सभी वाहन चालकों से पूछताछ भी की जा रही है। दुर्ग जिले को हाई सिक्योरिटी अलर्ट मोड पर रखा गया है, जहां पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट मोड पर है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कहा कि ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि देश के केंद्रीय गृह मंत्री दुर्ग आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का आगमन छत्तीसगढ़ में आगामी इसी साल होने वाले चुनाव के लिए मील का पत्थर साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी और अमित शाह के द्वारा दिए गए और उनके भाषण से कार्यकर्ता और जनता रिचार्ज होंगे, जिससे आने वाले समय में बीजेपी के कार्यकर्ता संकल्प लेते हुए कांग्रेस के भूपेश बघेल सरकार को उखाड़ देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री जी का दौरा 22 तारीख को दुर्ग के रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में नियत है, जहाँ पे उनका एक पब्लिक गैदरिंग का कार्यक्रम है। तो इसके संबंध में हम लोग पूरी तैयारियां कर रहे हैं। जो स्थल है वहाँ पे जो डोम वगैरह लगने का काम जारी है, साथ साथ सिक्योरिटी के हिसाब से हम लोगों ने अपना बल तैनात कर रखा है और जो भी VIP सिक्योरिटी से संबंधित जो भी निर्देश है उनका पालन करते हुए पूरे कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। और 22 तारीख को जब ये दौरा होगा तो मुझे उम्मीद है कि सफल रहेगा ये दौरा। हम लोगों ने ट्रैफिक का पूरा एक प्लान बना रखा है, जिसमें हम लोग जो भी अपने डाइवर्जेंस वगैरह हैं उसका भी पहले से जानकारी दिलवा दी जाएगी पब्लिक को, और जो रूट VIP के लिए तय रहेगा उसके बाद उसका भी चिन्हांकन कर लिया गया है। तो जो भी विस्तृत इससे संबंधित गाइडलाइंस है वो भी पब्लिक को मीडिया के माध्यम से पहले से ही दिलवा दी जाएंगी। अभी से ही चेकिंग वगैरह तो लगातार जारी है इन इलाकों में, और वहाँ पे भी हम लोग सारे जो बॉर्डर के थाने हैं उनको निर्देशित किए हैं कि पेट्रोलिंग वगैरह करें और चेक पॉइंट्स वगैरह लगा करके जो भी आना जाना कर रहे हैं उनकी भी जांच पड़ताल कर लें। भाग्य का विषय है कि भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का दुर्ग आगमन हो रहा है। पूरे दुर्ग नगरवासी उनके आगमन के लिए प्रतीक्षारत है, हम उनका इंतजार भी कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी का जिस प्रकार से उद्बोधन होता है, जो एक सशक्त उनका व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व से हम सब प्रेरणा पाते हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में दुर्ग का यह आगमन मील का पत्थर साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी और हम और भी मजबूत होकर उभरेंगे। नहीं, मुख्यमंत्री का किला नहीं है, वो तो गलती से बन गया। बिल्ली के भाग से छीका हर बार नहीं फूटता है, कभी कभी होता है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट।